हेलो एवरीवन, आज से हम जो क्रिया शरीर का फिफ्थ टॉपिक है पित्त, पित्त के सामान्य निरुक्ति, गुण, कर्म, सामान्य स्थान, पित्त के भेद, उनके स्थान और उनके लक्षण और कर्म, उनके बारे में पढ़ेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने वात के बारे में पढ़ा था। अब हम सबसे पहले देखते हैं पित्त। पित्त की निरुक्ति, तो पित्त की निरुक्ति मतलब क्या होता है कि पित्त शब्द कैसे बना या फिर पित्त शब्द का मीनिंग क्या होता है। तो पित्त शब्द की निरुक्ति क्या है? तप संतापे। तप संतापे धातु में इत प्रत्यय करने से पित्त सिद्ध होता है। ठीक है, तो कौन से प्रत्यय से पित्त बनता है? इत प्रत्यय से। और वात की निरुक्ति क्या थी? वा गति गंधन हयो। ठीक है, तो तप संतापे धातु में इत प्रत्यय करने से पित्त शब्द बनता है, जिसका अर्थ होता है दहन तथा अथवा उष्ण करना। मतलब तो जितनी भी उष्णता वाली चीजें होती है ना, वो शरीर में पित्त के द्वारा होती है। शरीर में अग्नि कर्म के कर्ता को क्या कहा गया है? पित्त कहा गया है। ठीक है, क्या है? शरीर में अग्नि कर्म के कर्ता को पित्त कहा गया। अब अग्नि कर्म क्या है? हमने पहले पढ़ा था कि अग्नियाँ कितने प्रकार की होती है? 13 प्रकार की। जठराग्नि, 7 धातु अग्नि और 5 महाभूतों की अग्नि। लेकिन उसमें से जठराग्नि है उसको हम डाइजेस्टिव पावर से या फिर डाइजेस्टिव सिस्टम जैसे काम करता है ना, उससे हम कोरिलेट कर सकते हैं, तो उसको अग्निकर्म कहते हैं। और एक और अग्निकर्म होता है आयुर्वेद में, जिस जो ना वात व्याधियों में या फिर जॉइंट पेन वगैरह में करते हैं, वो अलग बात है, उसको हम बाद में पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पर अग्निकर्म मतलब जो हमारी जठराग्नि, उसका जो काम है, जठराग्नि का काम क्या है? पाचन करना, भोजन का पाक करना, डाइजेशन करना। तो वो जो अग्निकर्म का करता है ना, उसे पित्त कहा गया है। और पित्त का पर्याय क्या है? वायु। ये याद रखना। ठीक है, तो पित्त का पर्याय क्या है? वायु। पित्त शब्द की निरुक्ति तप संतापे धातु में इत प्रत्यय करने से बना, जिसका अर्थ है दहन अथवा उष्ण करना। और अग्निकर्म के कर्ता को पित्त कहा गया है। ठीक है, हमारे शरीर में जितनी भी ऊष्मा है ना, उसको हम पित्त से कोरिलेट कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम पढ़ते हैं पित्त के गुण। तो पित्त के कौन कौन से गुण होते हैं? पित्तम सहिष्णु तीक्ष्णोष्णम लघु विषम सरम द्रव्य। वात के गुण क्या पढ़े थे हमने? तत्र रुक्ष लघु शीतक खरस सूक्ष्म चलो अनिल। तो वात के कितने गुण बताए थे? 6 आचार्य वाग्भट ने। पित्त के कितने? स्नेह, तीक्ष्ण, उष्ण, लघु, विष्ट, सर और द्रव। वात पित्त के 7 गुण है, वात के 6 गुण थे। ठीक है, तो अब इनका मतलब क्या होता है? स्नेह मतलब क्या होता है? स्निग्धता करना। ठीक है, स्निग्धता मतलब जो चिकनापन होता है ना, उससे अपन स्नेह से कोरिलेट करेंगे। तीक्ष्ण मतलब तीखा, उष्ण मतलब गर्म, लघु मतलब हल्का, विष्ट मतलब एक बुरी से जो गंध आती है ना, उसको विष्ट गंधी बोलते हैं, दुर्गंध युक्त बोल सकते हैं। फिर सर मतलब मूवमेंट कराना और द्रव मतलब लिक्विड। ठीक है, तो पित्त लिक्विड फॉर्म में होता है। तो पित्त के कितने गुण बताए हैं आचार्य वाग्भट ने? 7 गुण बताए हैं, स्नेह, तीक्ष्ण, उष्ण, लघु, विष्ट, सर और द्रव। ये सब कौन से गुण है? भौतिक गुण है। आचार्य चरक ने भी 7 बताए हैं, स्नेह, उष्ण, तीक्ष्ण, द्रव, अम्ल, सर और कटु। तो अब इन्होंने डिफरेंस क्या बताया? इसने तो दोनों ने बताया तीक्ष्ण उष्ण लघु, लघु नहीं बताया चरक ने, और विष्ट, चरक ने लघु और विष्ट की जगह पे अम्ल और कटु बताया है। ठीक है, बाकी तो 7-7 बताए हैं। ठीक है, तो आचार्य वाग्भट ने 7 बताया, आचार्य चरक ने 7 बताया, लेकिन आचार्य वाग्भट ने लघु और विष्ट बताया है और आचार्य चरक ने अम्ल और कटु बताया है। ठीक है, अम्ल मतलब खट्टा और कटु मतलब तीखा, तो उसका टेस्ट मतलब पित्त का रस कैसा होगा उस हिसाब से। और आचार्य सुश्रुत ने पित्त को सत्व गुण प्रधान ने बोला है। जो हमारे मन में जो 3 गुण होता है ना, जिनको त्रिगुण बोला है, सत्व, रज और तम, उसमें से वात रजो गुण प्रधान होता है और पित्त सत्व गुण प्रधान होता है। स्निग्ध आदि गुण वात के भौतिक गुण है। तो जो अभी तक हमने ये गुण पढ़े ना, ये सब क्या थे? वात के भौतिक गुण, पित्त के भौतिक गुण है। अब पढ़ते रासायनिक गुण। रासायनिक गुण क्या है? कटु, पित्त और नील सामान्य अवस्था में, और विदग्ध अवस्था में अम्ल, विष्ट और पुतिगंध। पुति होता है मतलब कटु, पित्त और नील मतलब जब पित्त सामान्य, पित्त प्राकृत अवस्था में है, मतलब जब वो किसी प्रकार की व्याधि उत्पन्न नहीं कर रहा है, तो वो कैसा होगा? कटु होगा मतलब तीखा होगा, मतलब उसका रस कटु होगा, वो पीले वर्ण का होगा और नीले वर्ण का होगा। और जब विदग्ध अवस्था में होगा, मतलब जब वो प्रकोपित मतलब दूषित होगा जब, तो उसमें क्या होगा? वो अम्ल रस होगा और उसमें से विष और पुति गंध आएगी। ठीक है, तो जब पित्त सामान्य अवस्था में होता है तो कटु, पित्त और नील होता है, और विदग्ध अवस्था में अम्ल और विष और पुति होता है। ठीक है, मानस से तो सत्व गुण प्रधान है।
तो ये पित्त के गुण पढ़ लिए हमने, क्या है पित्त के 7 गुण होते हैं, इसता स्नेह तिक्षोष्णम लघु विषम सरम द्रवम, ठीक है। और रासायनिक गुण सामान्य अवस्था में कटु पित्त और नील, और विदग्ध अवस्था में अम्ल विष पुति, और मानसिक गुण क्या है इसका, ये सत्व गुण प्रधान होता है। अब हमको पित्त के गुण पढ़ना क्यों जरूरी है, क्योंकि पित्त हमको दिख तो नहीं रहा है, अगर पित्त सामान्य अवस्था में तो हमारी बॉडी में दिखेगा नहीं, तो पित्त की जितने भी फंक्शंस होते हैं ना वो दिखते नहीं है, लेकिन उनका जो रिजल्ट होता है हमको पता चलता है कि हाँ पित्त प्राकृत रूप से काम करता है, तो हमको उसके गुणों के, और अगर पित्त प्रकुपित होता है मतलब पित्त विकृत होता है, या तो बढ़ेगा या तो कम होगा, तो अगर हम पित्त के जो गुण है उसके समान गुण वाला आहार विहार करेंगे तो पित्त बढ़ेगा, और अगर हम उसके विपरीत गुण वाला आहार विहार करेंगे तो पित्त का शमन होगा। आप लोगों ने पदार्थ विज्ञान में भी पढ़ा होगा सामान्य और विशेष का सिद्धांत, कि समान से समान की वृद्धि होती है और विपरीत से उसका क्षय होता है, तो इसलिए हमको पित्त के गुण पढ़ना जरूरी है, कि अगर हम पित्त को हमको शांत करना है तो जो पित्त के गुण है उसके अपोजिट गुण वाला आहार विहार करना पड़ेगा, ठीक है। अब हम पढ़ते पित्त के कर्म, जो पित्त के सामान्य कर्म क्या क्या है, तो पित्त के सामान्य कर्म क्या है, दर्शनम भक्ति रुष्माच सुतृष्णा देह मार्दवम प्रभा प्रसादो मेधाच पित्त कर्म विकार च। दर्शन मतलब देखना, ये सब पित्त के द्वारा होता है। पक्ति मतलब पाचन, डाइजेशन, उसमें मतलब शरीर की स्वाभाविक ऊष्मा बनाए रखना, जो बॉडी का टेम्परेचर है ना उसको मेंटेन रखना। शूत और तृष्ण भूख और प्यास को उत्पन्न करना, और क्या है देह मार्दवम शरीर में मृदुता बनाए रखना, प्रभा मतलब कांति, प्रसाद मतलब मन की प्रसन्नता, मेधा मतलब धारणात्मक बुद्धि। तो ये सब पित्त के प्राकृत पित्त के कर्म है, कि पित्त अगर नेचुरल है सामान्य अवस्था में तो क्या क्या लक्षण है, अगर हम देख पा रहे हैं हमारी आंखों में भी पित्त होता है, हम आगे जो पित्त के 5 टाइप्स पढ़ेंगे उनमें से एक पित्त होता है जो हमारी आंखों में होता है, ठीक है। तो जो देखने का काम होता है वो पित्त के द्वारा होता है। पक्ति पाचन तो हम स्टार्टिंग से पढ़ रहे हैं कि अग्निकर्म जो डाइजेशन है वो पित्त के द्वारा ही हो रहा है, ऊष्मा बॉडी की हीट को मेंटेन करना, अगर हमारा डाइजेशन सही रहेगा तो हमको भूख प्यास भी सही लगेगी, तो वो भी पित्त के द्वारा होता है। पित्त से शरीर में मृदुता आती है, ठीक है, जो हमने पित्त के गुण पढ़े थे स्निग्ध द्रव ये सब, तो वो मृदु वाले लक्षण गुण है ना, इसलिए। प्रभा मतलब जो हमारे ग्लो आता है ना स्किन पे, जो ग्लो आता है वो भी पित्त के वजह से होता है, ठीक है। प्रसाद मन प्रसन्न होता है, मैदा और बुद्धि की भी वृद्धि होती है। तो ये पित्त के प्राकृत कर्म है, कि दर्शनम भक्ति रुष्माच सुतृष्ण देह मार्दवम प्रभा प्रसादो मैदा च पित्त कर्म विकार च, ठीक है। पित्त क्या करता है, हमारे शरीर में जो धातुएं हैं पहले अन्न का पाक करता है, फिर उससे आगे जितनी भी धातुएं हैं ना उनका भी पाक होता है, मतलब जो उनका जो सार भाग है ना वो बन जाता है, जिससे हमारे शरीर में ये सब कर्म प्राकृत अवस्था में होते रहते हैं, ठीक है। आचार्य वाग्भट ने अन्य कर्म भी बताए हैं, रुचि शौर्य और लघुत्व। रुचि मतलब क्या होगा, खाना खाने का मन होना, अगर हमको भूख लगेगी तो हमारा खाना खाने की इच्छा भी होगी। शौर्य बलवान होता है, मतलब किसी भी कार्य करने की इच्छा जागृत होती है। और लघुत्व शरीर में लघुता आती है अगर पित्त प्राकृत अवस्था में रहता है। तो हमने पित्त को अग्नि कर्म से कोरिलेट किया, तो जैसे बाहर भी शरीर के बाहर भी जो अग्नि होती है वो अलग अलग टेम्परेचर पर काम करती है, लकड़ी को जलाती है, मेटल्स को पिघलाती है, ये सब काम। लेकिन जो हमारे शरीर की जो अग्नि है ना वो स्पेसिफिक जो टेम्परेचर है, हमारे जो बॉडी का टेम्परेचर है 37.5 डिग्री, उसी पर काम करता है वो, ज़्यादा ना ज़्यादा टेम्परेचर पर काम करता है ना ही कम टेम्परेचर पर काम करता है। अगर वो प्राकृत अवस्था में रहेगा तो सामान्य कर्म करेगा, लेकिन अगर वो विकृत होगा तो वही पित्त जो अभी तक हमारे शरीर में आरोग्य और सुख उत्पन्न कर रहा था वो विकृत अवस्था में आकर व्याधि और दुख का कारण होगा शरीर में। अगर वो प्राकृत है तो पाचन अच्छा होगा, अगर विकृत होगा तो पाचन नहीं होगा। प्राकृत है तो अच्छे से दिखाई देगा, विकृत होने पर नहीं दिखाई देगा। शरीर में क्रोध आना, हर्ष उत्पन्न होना, मोह भ्रम, ये सब पित्त के ही कर्म है। अगर प्राकृत अवस्था में तो शरीर में जो सामान्य कर्म है, जो प्राकृतिक अवस्था बनी हुई है वही होगी, और अगर उसमें कुछ विकृति आई है तो फिर उसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आएगी, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं पित्त के स्थान। तो पित्त के स्थान कौन कौन से है, स्वेदो रसो लसिका रुधिरम आमाशय से पित्त स्थानानि तत्रापि आमाशय विशेषण पित्त स्थान। तो पित्त के स्थान क्या क्या है, स्वेद रस लसिका रुधिर और आमाशय,
ठीक है, स्वेत मतलब स्वेटिंग जहाँ से हो रही हो, पित्त के कारण हमारे बॉडी में अगर हीट होगी तो स्वेटिंग होगी। रस प्लाज्मा भी पित्त का स्थान है, लसिका पित्त का स्थान है, रुधिर पित्त का स्थान है, और आमाशय क्योंकि डाइजेशन से, और स्पेसिफिक आमाशय तो पित्त का विशिष्ट स्थान है। हमारे जो सात धातु हैं ना उनमें रक्त है ना उसके गुण पित्त के समान है, तो अगर रक्त पित्त में कुछ विकृति होगी तो रक्त दूषित होगा, और अगर रक्त में दुष्टि होगी तो पित्त दूषित होगा, तो ये दोनों के गुण समान है। आचार्य सुश्रुत ने पित्त का स्थान क्या बताया, पक्व आमाशय मध्य, मतलब पक्वाशय और आमाशय के मध्य में, आमाशय मतलब स्टमक और पक्वाशय मतलब लार्ज इंटेस्टाइन, तो हम ड्योडेनम को बोल सकते हैं पित्त का स्थान आचार्य सुश्रुत के हिसाब से। और अष्टांग हृदय में क्या बोला है, नाभि दृष्टि और त्वक, ठीक है, जो हमारी अम्बिका होती है वहाँ पे दृष्टि मतलब नेत्रों में और त्वचा पर पित्त का स्थान है। तो हमने पित्त के कर्म में भी देखा कि वो त्वचा देह में मृदुता लाता है, कांति लाता है, तो ये सब पित्त का स्थान है ना, इसलिए वहाँ पर वो अपने प्राकृत कर्म के द्वारा कांति उत्पन्न करता है, और वहाँ वो जो स्थान है ना उसको अच्छे से बनाए रखता है, वहाँ पर जो कार्य हो रहे हैं उनको नियंत्रण रखता है। ठीक है, जैसे हमने बात पित्त कफ तीनों का स्थान में शरीर के हिसाब से अगर हम देखते हैं, ठीक है, तो अगर हम वात का स्थान देखें, ये अम्बिलिकल कॉर्ड और यहाँ पे हार्ट, ठीक है, तो अगर हम वात का स्थान देखते हैं तो वात का स्थान क्या है, नाभि से नीचे, तो ये किसका स्थान हो गया, वात का। अगर हम पित्त का देखते हैं तो हृदय और नाभि के बीच में, ठीक है, तो ये पित्त का, और कफ का स्थान हृदय के ऊपर, ठीक है, तो ये तो हमको याद है, लेकिन जो वात पित्त कफ के पांच पांच भेद उनके हिसाब से अलग है। और सामान्य स्थान देखे तो वात का क्या था, बस्ती पुरी शाधान और ये सब, लेकिन विशिष्ट स्थान क्या था, पक्वाशय, ठीक है, और पित्त का विशिष्ट स्थान क्या है, आमाशय। तो ये विशिष्ट स्थान के हिसाब से भी हम बता सकते हैं कि आमाशय नाभि के ऊपर है तो पित्त का स्थान है, और पक्वाशय नाभि के नीचे है तो ये वात का स्थान है। ठीक है, तो ये हो गया सामान्य स्थान, क्या है, स्वेदो रसो लसिका रुधिरम आमाशय से पित्त स्थानानि तत्रापि आमाशय विशेषण पित्त स्थानम्, कि स्वेद रस लसिका रुधिर और आमाशय ये पित्त के विशिष्ट स्थान है। और उसमें भी जो आचार्य सुश्रुत है उन्होंने क्या बोला है, पक्वाशय और आमाशय के मध्य, और अष्टांग हृदय ने नाभि दृष्टि और त्वचा बताया है। ठीक है, तो ये सामान्य स्थान, सामान्य गुण और सामान्य कर्म और निरुक्ति ये हो गया। अब हम अब पढ़ते हैं पित्त के जो पांच भेद बताए हैं, वो पित्त के पांच भेद बताए गए, ठीक है, वात के भी पांच भेद थे, पित्त के भी पांच है, और कफ के भी पांच है। तो पित्त के पांच भेद कौन से, पित्तम पंचात्मकानम, रंजक पित्त, पाचक पित्त, आलोचक पित्त, साधक और भाजक। ठीक है, तो पहले एक इसका ओवरव्यू देख लेते हैं कि स्पेशल कि इनके स्थान कहाँ कहाँ होते हैं, फिर उसके बाद में डिटेल में पढ़ लेंगे। ठीक है, तो रंजक पित्त कहाँ होता है, रंजक पित्त होता है यकृत और प्लीहा में। साधक कहाँ होता है, साधक होता है हृदय में। ठीक है, फिर होता है आलोचक पित्त, आलोचक पित्त होता है नेत्र में। फिर पाचक पित्त होता है आमाशय में, और भ्राजक पित्त होता है त्वचा में। ठीक है, तो ये हो गए पांच पित्त के स्थान। ठीक है, रंजक यकृत और प्लीहा में होता है, पाचक आमाशय में होता है, आलोचक नेत्र में, साधक हृदय में, और भ्राजक त्वचा में होता है। अब सबसे पहले हम पढ़ते हैं रंजक पित्त। ठीक है, रंजक मतलब नाम से ही समझ आ रहा, रंजन करना मतलब किसी को कलर कर रहा है ये। ठीक है, ऐसे हम याद रख सकते हैं, तो हम इसके बारे में डिटेल लिख सकते हैं। तो सबसे पहले इसका स्थान क्या है रंजक पित्त का, यकृत और प्लीहा। यकृत मतलब क्या होता है, यकृत किसको बोलते हैं, यकृत लीवर को बोलते हैं। ठीक है, और प्लीहा किसको बोलते हैं, स्प्लीन को। यकृत लीवर को बोलते हैं और प्लीहा स्प्लीन को बोलते हैं। ठीक है, तो इससे हम क्या सोच सकते हैं कि लीवर और स्प्लीन में क्या होता है। लीवर में हम देखते हैं कि आरबीसी का प्रोडक्शन होता है, और स्प्लीन में आरबीसी का डिस्ट्रक्शन होता है, मतलब ये कुछ ब्लड से ही रिलेटेड होगा, है ना। तो क्या है, रंजक पित्त का स्थान है यकृत और प्लीहा।
जल रूप रस यकृत तथा प्लीहा में पहुंचकर लाल वर्ण का हो जाता है तथा रक्त कहलाता है। और इसका है अष्टांग हृदय ने रंजक पित्त का हिस्सा नामाशय बताया। अष्टांग हृदय ने अलग बताया, लेकिन हम स्पेसिफिक सुश्रुत या चरक का भी किसी का भी ले सकते हैं, लेकिन उसके कर्म के हिसाब से यहाँ पर यकृत और प्लीहा सही जम रहा है तो हमको याद करने में इजी रहेगा। और अष्टांग हृदय ने कितना क्या बताया, रंजक पित्त का स्थान आमाशय बताया। इसे कर्म क्या है, तेजो रसानाम सर्वेशा मनुचाना मेदुचते पित्तोष्मणा से रागेण रसो रक्तत्व मचती। मतलब क्या है, मनुष्य में रस का अपना जो तेज है उस तेज तथा पित्त की उष्मा के रंजन से रस रक्तता को प्राप्त होता है। कुछ समझ में आया, अभी मैं इसको फ्लो चार्ट में बता दूंगी। ठीक है, रस का कुछ अंश जो अपने विशेष रासायनिक संगठन के कारण रस का तेजस अंश कहलाता है, पित्त की विशेष प्रकार की पाक क्रिया के द्वारा रक्त में परिवर्तित हो जाता है। आप लोगों को याद होगा हमने जो सप्त धातु वाला फ्लो चार्ट देखा था, पहले हम उसको देख लेते हैं कि अन्न हम ग्रहण कर रहे हैं, फिर उसका पाचन हो रहा है तो मल भाग और सार भाग में बढ़ रहा था, फिर उसके बाद में सातों धातु में गया था, रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा और शुक्र। ठीक है, तो ऐसे हमने किया था। तो यहाँ पर रंजक पित्त का काम क्या हो रहा है, रस से रक्त में परिवर्तन करने का। ठीक है, तो इसको हम देखते हैं कि हमने अन्न का ग्रहण किया, अभी मल भाग तो ठीक है निकल गया, उससे बनी रस धातु। अब रस को हमने क्या कोश से कलेक्ट किया, प्लाज्मा से। ठीक है, तो अभी वो तो ठीक है, उसका कोई कलर नहीं होता है, तो रस से रक्त कैसे बन रहा है। अब रस तो रक्त लाल कलर का था ही नहीं वहाँ पर, वो तो नॉर्मल था, तो लेकिन रक्त लाल कलर का कैसे हो गया, तो वहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पर रंजक पित्त की क्रिया हो रही है। ठीक है, यहाँ पर क्या आ गया, रंजक पित्त। तो रंजक पित्त की क्रिया से ना जो रस का कुछ भाग है, मतलब रस के भी दो भाग होते हैं, मल भाग और सार भाग, उसमें से भी एक धातु एक उसकी उप धातु बनाता है और एक दूसरी मतलब जो आगे की जो धातु है वो बना रहा है रक्त धातु। तो जो रस का जो भाग है जिससे हमको रक्त धातु बनानी है, उसमें जो रंजक पित्त है उसका कुछ अंश जाता है और एक विशेष पाक क्रिया होती है जिससे वो रक्त को लाल कलर का बना देता है। ठीक है, तो रंजक पित्त का स्थान क्या होता है, रंजन करना। ठीक है, तो हम इसको एक बार और से पढ़ते तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। क्या होता है, मनुष्य में रस का जो तेज है वह तेज पित्त की ऊष्मा के रंजन से, पित्त की ऊष्मा के रंजन से रक्तता को प्राप्त होता है। रक्तता को प्राप्त होगा तभी तो रक्त धातु बनेगी। ठीक है, तो रस का कुछ अंश जो अपने विशेष रासायनिक संगठन के कारण रस का तेजस अंश कहलाता है, रस का तेजस अंश मतलब जो आगे बनने जा रहा है रक्त, वो पित्त की विशेष प्रकार की पाक क्रिया के द्वारा रक्त में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, तो रंजक पित्त का इस काम क्या होता है, रस धातु से रक्त धातु का निर्माण करना अपने पाक क्रिया के द्वारा। ठीक है, आ गया। रंजक पित्त का स्थान क्या था, यकृत और प्लीहा। तो हम ना नाम से, जैसे कि रंजक नाम से समझ में आ रहा कि कलर हो रहा है, तो इससे और यकृत और प्लीहा से क्या आप ब्लड से कोरिलेट कर सकते हैं, तो ब्लड का फॉर्मेशन हो रहा है वहाँ पर, तो उस तरह से हम इसके बारे में लिख सकते हैं। ठीक है, और मॉडर्न में अगर हम देखें तो लीवर तो है साथ में, लेकिन बोन मैरो में भी RBC प्रोडक्शन होता है, तो इसके हिसाब से हम यहाँ भी देख सकते हैं कि बोन मैरो में भी रंजक पित्त का स्थान हो सकता है, लेकिन आचार्यों ने ऐसा स्पेसिफिक नहीं बताया है, तो यहाँ पर यकृत और प्लीहा और आचार्य वाग्भट के हिसाब से आमाशय को ही मानेंगे। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं साधक पित्त। ठीक है, साधक पित्त का स्थान क्या है, हृदय तिष्ठति यह शुद्धम रक्त मिशत पित्तकम ओजस शरीर संख्यातम नाशात न विनिशति। मतलब क्या है कि हृदय साधक पित्त का स्थान है। ठीक है, तो अगर साधक पित्त का कोई स्थान पूछता है तो क्या है, हृदय, हृदय में जो कुछ लाल पीला सा पदार्थ है वह ओज है और उसे साधक पित्त कहते हैं। ठीक है, तो हृदय में एक लाल पीला सा पदार्थ होता है जिसको ओज कहते हैं और वही साधक पित्त है, तो साधक पित्त का स्थान क्या है, हृदय। लेकिन अगर हम कर्म के हिसाब से देखें तो इसके कर्म क्या है,
प्रभा प्रसाद मेधा या प्राकृत पित्त के कर्म है, ठीक है। तो यही साधक पित्त भी साधक पित्त के भी कर्म है। प्रभा मतलब कांति, प्रसाद मतलब मन को प्रसन्न करना, और मेधा मतलब जो हमारी धारणात्मक बुद्धि है ना उसको बनाए रखना। पित्त साधक पित्त प्राकृत अवस्था में शूरता मतलब निडरता, हर्ष प्रसन्नता आदि उत्पन्न करता है, और विकृत अवस्था में भय क्रोध मोह आदि को उत्पन्न करता है। तो ये सारे भाव कहाँ से आते हैं? हमारे ब्रेन से आते हैं, ठीक है। तो उसके हिसाब से तो हमको ऐसा समझना चाहिए कि साधक पित्त का स्थान मस्तिष्क भी हो सकता है। तो इसमें ना कॉन्ट्रोवर्सी है। यहाँ पर ना दो चीज़ें बताई गई है। यहाँ पे स्थान तो स्पेसिफिक बताया गया हृदय, लेकिन आयुर्वेद में हृदय दो होते हैं, उरोगत हृदय मतलब थोरेक्स में जो है, और एक होता है शिरोगत मतलब ब्रेन, ठीक है। तो अगर उसका स्थान देखते हैं तो हृदय होगा, लेकिन उसका कार्य क्षेत्र मतलब वो कैसे काम कर रहा है, किस स्थान से काम कर रहा है, और अगर हम वो देखें तो यहाँ पर हम मस्तिष्क भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो साधक पित्त ना मस्तिष्क और हृदय दोनों को नियंत्रण करता है। जो हमने सामान्य पित्त के जो सामान्य कर्म देखे थे, दर्शनम पक्ति रुष्माच, दर्शनम पक्ति रुष्माच छूत तृष्णा देह महादवम प्रभा प्रसादो मेधा च पित्त कर्म विकारचरम। तो जो नीचे वाली लाइन थी ना प्रभा प्रसादो मेधा च, तो वो यहाँ पे साधक पित्त के कर्म में भी आ रहा है, ठीक है। तो आप लोग अगर अगर श्लोक अगर वो वाला याद नहीं होता हो, ये सामान्य स्थान का और साधक पित्त का अलग से कर्म तो है ही नहीं, तो वो जो नीचे वाली लाइन थी प्रभा प्रसाद और मेधा से पित्त कर्म विकारचना वो भी इसमें लिख सकते हैं। और इसमें अगर उसके फिर अन्य कर्म क्या है, शूरता हर्ष और प्रसन्नता उत्पन्न करना, और भय क्रोध और मोह आदि का कारण भी साधक पित्त होता है। इसके कर्म देखेंगे तो मतलब इसके स्थान देखेंगे तो क्या, इसका स्थान हृदय है, लेकिन उसका कार्य क्षेत्र मस्तिष्क भी हो सकता है, ठीक है। अगर हमारी बॉडी में हम जैसे कि इंटेलिजेंस वाला जो काम होता है, करेक्ट जजमेंट लेना किसी भी चीज़ को, किसी को सोच के बताना, कुछ चीज़ें याद रखना, ये सब साधक पित्त का काम होता है, ठीक है। अब हम ये सब क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि जो हमने बाद में भी देखा था कि जो 10 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं ना, उसमें से वात पित्त कफ में से एक ना एक क्वेश्चन तो आता ही है, कि पूरा ये जो पॉइंट है ना पूरा का पूरा उठा के पूछ लेंगे और 10 मार्क्स में दे देंगे। तो उसमें आपको सब लिखना है, इसकी निरुक्ति, सामान्य गुण, कर्म, स्थान, फिर भेद और उनके भी स्थान और लक्षण है, फिर जो कर्म है ना वो, इसलिए हमको इसको पढ़ना जरूरी है। और हम उसके हिसाब से ट्रीटमेंट भी कर सकते हैं, क्योंकि अगर हमको पता है कि रंजक पित्त का स्थान लेवल रक्त का निर्माण करना है, तो अगर कहीं रक्त में दुष्टि हो रही तो हम उसको रंजक पित्त को ठीक करेंगे ना, फिर ओवरऑल पित्त पे नहीं जाके हम फिर स्पेसिफिक रंजक पित्त पे जाएंगे। तो इसलिए हमको इसके स्थान और कर्म याद होना जरूरी है, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं आलोचक पित्त, ठीक है। तो आलोचक पित्त का स्थान क्या है? आलोचना करना, आलोचना मतलब करना क्या, उसको देख के उसके बारे में कुछ पता लगाना। तो उसको देखने से क्या आ जाएगा, उसका स्थान क्या है? नेत्र है। और उसका कर्म क्या है? दर्शन। जो हमारा पित्त का सामान्य कर्म था ना, दर्शनम पक्ति रुष्णा च सुतृष्णा देह मार्दवम प्रभा प्रसाद मेधा च पित्त कर्म विकारचना। तो जो सबसे पहले आया था दर्शनम, तो यहाँ पर दर्शन मतलब पित्त से कोरिलेट करेंगे। अगर हम पित्त को माने तो पित्त को हम अग्नि अग्नि से कोरिलेट करे जा रहे हैं। तो महाभूतों में भी देखेंगे तो अग्नि से अगर हम पित्त को कोरिलेट करते हैं, तो अग्नि महाभूत थी जो हमारी नेत्र इंद्रिय है ना उसको नियंत्रण करता है, ठीक है। तो उसका जो पंच भौतिकत्व है वगैरह नेत्र का, वो अग्नि महाभूत में मेन होता है, ठीक है। तो उसके हिसाब से भी हम आलोचक पित्त का कर्म दर्शन कर देख सकते हैं। बस आलोचक पित्त का एक ही कर्म है दर्शन, और उसका स्थान क्या है? नेत्र। अब ना आलोचक पित्त के दो स्थान होते हैं, दो प्रकार होते हैं आचार्य भेल के अनुसार। आचार्य भेल ने आलोचक पित्त के दो प्रकार बताए, चक्षु वैशेषिक और बुद्धि वैशेषिक, ठीक है। चक्षु वैशेषिक तो एक जो नेत्र में होता है उसके हिसाब से, और बुद्धि वैशेषिक भी एक बताया है। जो हमारा मर्म होते हैं ना, हमारी बॉडी में 107 मर्म होते हैं। मर्म मतलब कुछ वाइटल पॉइंट्स होते हैं, अगर जिनमें कुछ प्रॉब्लम हो गई, कुछ इंजरी हो गई, तो मतलब डेथ तक की कंडीशन बन सकती है। वो आप लोग एनाटॉमी में पढ़ेंगे तो मर्म होते हैं, तो उसमें से एक शंकाटक मर्म होता है जो हमारी दोनों आईब्रो के बीच में होता है, ठीक है। तो उससे रिलेटेड है बुद्धि वैशेषिक आलोचक पित्त। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं चक्षु वैशेषिक। चक्षु वैशेषिक क्या होता है? नेत्र द्वारा वस्तु को देखकर उनमें जो परस्पर भिन्नता का ज्ञान हमको होता है वह चक्षु वैशेषिक आलोचक पित्त। अब चक्षु वैशेषिक मतलब स्पेसिफिक आई से कोरिलेट है ना, तो मॉडर्न में क्या करेंगे हम, जो ऑप्टिक नर्व है
ऑप्टिक नाव का जो काम होता है ना वो चक्षुवैशेषिक आलोचक पित्त का होता है कि वस्तु को देखकर उनमें परस्पर भिन्नता का ज्ञान होना कि ये पेन है या पेंसिल है, ऐसे परस्पर भिन्नता का जो ज्ञान होता है कि हमने किसी चीज़ को देखा फिर उस सेंसेशन को वो ब्रेन तक ले जाकर और फिर वापस पता लगाना कि हाँ ये है, तो वो काम किसका होता है? ऑप्टिक नर्व का। वैसे ही चक्षुवैशेषिक आलोचक पित्त का भी काम है। प्रत्येक वस्तु को देखकर उनमें वर्ण आकार स्थिति आदि का अंतर्ज्ञान चक्षुवैशेषिक पित्त के द्वारा होता है। ठीक है, तो किसी वस्तु को देखकर उनमें परस्पर भिन्नता का ज्ञान होना चक्षुवैशेषिक आलोचक पित्त का काम है। और इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम मॉडर्न में ऑप्टिक नर्व से कोरिलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो यह हो गया चक्षु वैशेषिक आलोचक पित्त। अब आता है बुद्धि वैशेषिक आलोचक पित्त। बुद्धि वैशेषिक आलोचक पित्त क्या है, इसका स्थान क्या है? भ्रू के मध्य में स्थित संघाटक मर्म। ठीक है, भ्रू मतलब जो हमारी आईब्रो होती है ना, वो उन दोनों के बीच में एक मर्म होता है, उसको संघाटक मर्म बोलते हैं। तो वो बुद्धि वैशेषिक आलोचक पित्त का स्थान है। उसका कर्म क्या है? सूक्ष्म अर्थों को ग्रहण करके उन्हें धारण करना और धारण किए अर्थों को समय पर उपस्थित करना। मतलब हम जो भी चीज़ देख रहे हैं, जो भी हम बात सुन रहे हैं, जो भी हम सोच रहे हैं, उसको ग्रहण करना और फिर उनको ना समझ के कि हाँ ये क्या होगा, उसको फिर वापस से प्रेजेंट करना, ये काम बुद्धि वैशेषिक आलोचक पित्त का होता है। इसको कैसे कोरिलेट किया है? कैवर्नस साइनस से। ठीक है, मतलब कैवर्नस साइनस अभी सारी आर्टरीज वेन, मतलब स्पेसिफिक वेन होती है, तो मतलब जो ब्रेन को ब्लड सप्लाई करना वहाँ से वापस लेना, वो उससे कोरिलेट करते हैं। तो अगर ब्रेन प्रॉपर फंक्शन करेगा तो बुद्धि वैशेषिक आलोचक पित्त भी प्रॉपर वही हो फंक्शन होगा। तो उसी प्रकार से कि ये बुद्धि वैशेषिक आलोचक पित्त का काम क्या है कि जो भी हम चीज़ें ग्रहण कर रहे हैं उनको धारण करना, मतलब हमारे ब्रेन में कलेक्ट करना और फिर वहाँ से उनको जिस टाइम पे उसको बाहर व्यक्त करना चाहिए उस समय व्यक्त करना। वैसे हमारा ब्रेन फंक्शन करता है कि हमने किसी बात को सुना, उसको हमने हमारे ब्रेन में इकट्ठा करके रख लिया और फिर जब हमको उसको बताना है तो हम उसको बता रहे हैं। तो वैसे तो इसको ना कैवर्नस साइनस से कोरिलेट किया है। ठीक है, तो आलोचक पित्त का स्थान क्या है? नेत्र, उसका कर्म है दर्शन। दो प्रकार के होते हैं, चक्षु वैशेषिक और बुद्धि वैशेषिक। चक्षु वैशेषिक क्या होता है कि नेत्र के द्वारा वस्तु को देखकर उनमें भिन्नता करना, और बुद्धि वैशेषिक कि कुछ भावों को ग्रहण करके धारण करना और फिर उनको समय पर उपस्थित करना। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं भ्राजक पित्त। तो भ्राजक पित्त का स्थान क्या? त्वचा। हमने देखा था कि वो कांति ला रहा था त्वचा में सामान्य पित्त के कर्म में, क्योंकि भ्राजक पित्त का स्थान त्वचा है तो त्वचा में कांति तो लाई गई। तो इसके कर्म क्या होते हैं? शरीर के ताप को समान रखना, टेम्परेचर को मेंटेन करता है पित्त। त्वचा के वर्ण को प्राकृत कर रखता है, जो हमारा प्राकृतिक वर्ण है वो वही रहता है। फिर त्वचा में रहकर शरीर के प्रभाव को प्रकाशित करता है, मतलब शरीर में कांति लाता है, ग्लो लाता है। ये भ्राजक पित्त का कर्म है। और क्या करता है? जैसे मर्दन, सेचन, अवगाहन, लेपन आदि क्रियाओं में प्रयुक्त द्रव्यों का पाचन करता है। मर्दन मतलब हम किसी शरीर पर कुछ चीज़ मल रहे हैं, किसी लिक्विड को डाल के सेचन कर रहे हैं, अवगाहन मतलब जो टफ बात होती है वो, या फिर किसी चीज़ का लेप लगा रहे हैं तो उसको डाइजेस्ट करना, उसको शरीर मतलब त्वचा से ही त्वचा में जो भ्राजक पित्त होता है ना उसका पाचन करता है और फिर उससे जो भी उसका परिणाम होना चाहिए वो परिणाम देता है। तो वो भ्राजक पित्त का काम है। और छाया का प्रकाशन करना, छाया छाया प्रभाव और प्रतिछाया के बारे में हम लास्ट में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे आप ऐसे देख रहे हो कि छाया का प्रकाशन करता है, मतलब छाया को और बढ़ाता है। ठीक है, तो भ्राजक पित्त का स्थान क्या है? भ्राजक पित्त का स्थान त्वचा है। भ्राजक पित्त का कर्म क्या है? सामान्य तापमान को बनाए रखना, त्वचा के प्राकृत वर्णों को बनाना, शरीर के प्रभाव को बनाना, और मर्दन, सेचन, अवगाहन में जो औषधियों का प्रयोग करते हैं उनका पाचन करना और छाया का प्रकाशन करना। ये भ्राजक पित्त का सामान्य कर्म है। और अगर हम प्राकृत कर्म के पूछ रहे हम विकृत कर्म देखते हैं, तो जो भी हमने कर्म देखे, तापमान नहीं बन किस तापमान को सम नहीं बनाएगा, मतलब विषम ले आएगा, मतलब कभी बढ़ाएगा कभी घटाएगा, प्रभा कम हो जाएगी, जो हम द्रव्यों का प्रयोग कर रहे हैं उनका पाचन नहीं होगा, छाया भी मंद पड़ जाएगी, ये सब फिर विकृत भ्राजक पित्त के कर्म हो जाएंगे। ठीक है, अब इसके आगे अगला पित्त देखते हैं हम, पाचक पित्त। पाचक पित्त, पाचन से मतलब क्या समझना है? डाइजेशन। तो कहाँ होगा? पक्वाशय और आमाशय के मध्य। तो पक्वाशय आमाशय के मध्य मतलब ग्रहणी, ड्यूओडेनम को ग्रहणी बोला है, तो वहाँ पर होता है पाचक पित्त का स्थान। तो पाचक पित्त का स्थान क्या है? पक्वाशय और आमाशय के मध्य में। इसका कर्म क्या है? चारों प्रकार के अन्न को पचाना। अब चार प्रकार के अन्न कौन से? पान, असन, भक्ष और लेह। तो पान, असन, भक्ष, लेह के बारे में देखते हैं।
पान मतलब क्या होता है जिसको हम पीते हैं, जो लिक्विड होता है, ठीक है, ये आ जाएगा पान। फिर असल मतलब जो हम नॉर्मली खाते हैं, खाना जो हम खाते हैं ना, चबाने हो गया, ठीक है। फिर भक्ष्य मतलब क्या होता है, जो नॉनवेज होता है ना, मतलब जिसको बहुत ताकत से, या फिर जो हमारे कैनाइन या प्री मोलर्स का जिसमें यूज़ होता है इनको खाने में, उसको भक्ष्य बोलते हैं। और लेह मतलब क्या होता है, जो चाटने योग्य होते हैं, ठीक है, जैसे च्यवनप्राश ले लो, शहद ले लो, ये सब चीज़ें, ठीक है। तो ये चार प्रकार के अन्न होते हैं। तो इन चारों प्रकार के अन्न का पाचन करने का काम किसका होता है, पाचक पित्त का, ठीक है। तो चार प्रकार के अन्न का पाचन करना, आहार के पाक अंश के सार भाग का अवशोषण होने देना, और मल भाग को पृथक करना। हमने अभी फ्लो चार्ट देखा था कि अन्न के दो भाग होते हैं, मल और सार। जैसे हमने खाना खाया तो खाने में से जो जो इंग्रेडिएंट या फिर जो पोषण न्यूट्रिशंस हमको हमारी बॉडी में लेना है उसको एक साइड करके, और जो वेस्ट है उसको बाहर निकालना है। तो जो सार भाग है, जो न्यूट्रिएंट वाला जो पार्ट है उसको अवशोषण करना, मतलब उसको एब्जॉर्ब करने का काम, और जो मल भाग है, जो वेस्ट प्रोडक्ट है, उसको बाहर निकालने का काम कौन करता है, पाचक पित्त, ठीक है। पाचक पित्त की क्रियाएं ठीक प्रकार से, तो शरीर की समस्त क्रियाएं ठीक प्रकार से होती है। अगर डाइजेशन अच्छा है ना, तो शरीर में ऐसी कौन सी भी क्रिया नहीं है वो जो सही नहीं होगी। आयु, बल, वर्ण, स्वास्थ्य, उत्साह, पुष्टि, प्रभा और सब बनेगा अगर डाइजेशन अच्छा है। सभी आचार्यों ने एक एक बताया है, रोगा सर्वे अपि मंदो होने लगा, रोगा सर्वे अपि मंदे अनलहो, मतलब क्या है, जो हमारी अग्नि है, हमारी जो जठराग्नि है ना, अगर वो मंद हो गई, ठीक है, मतलब वो कम हो गई या फिर उसने काम करना बंद कर दिया, तो उससे ही रोग होंगे। तो उन्होंने ऐसा बोला कि शरीर में जितने भी रोग होते हैं ना, वो मंद अग्नि से होते हैं। अगर हमारी अग्नि सही है ना, तो हमको किसी प्रकार का कोई भी रोग नहीं हो सकता है, ठीक है। तो इसीलिए हमको हमारी अग्नि को बनाए रखना जरूरी है। तो पाचक पित्त का स्थान क्या है, आमाशय पक्वाशय के मध्य, चार प्रकार के अन्न का पाचन करता है, सार भाग का अवशोषण और मल भाग को पृथक करता है, और शरीर में जितनी भी प्रकार की क्रियाएं हैं वो सब पाचक पित्त के सही रहने से ही होगी। आयु, बल, वर्ण, स्वास्थ्य, उत्साह, इन सबको बनाए रखता है, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं छाया, प्रभा और प्रतिछाया के बारे में। अभी तक हमने जो पित्त का जो सामान्य सामान्य था वो हमने सब देख लिया, निरुक्ति, गुण, कर्म, सामान्य स्थान, पित्त के भेद, उनके स्थान और उनके कर्म। लेकिन हमने जो भ्राजक पित्त में पढ़ा था ना, छाया का प्रकाशन करना, फिर पित्त के सामान्य कर्म में पढ़ा था कि प्रभा को बढ़ाता है, तो हमको इनके बारे में पता तो होना चाहिए ना कि इनको बोला क्या है, इनकी डेफिनेशन क्या होगी। तो सबसे पहले देखते हैं छाया और प्रतिछाया। अभी हम नॉर्मली अगर देखेंगे तो छाया क्या होता है, हमको ऐसा लगा कि जो हमारी शेडो दिखती है वही छाया है, कि हम ऐसे कांच में, पानी में जो हमारी परछाई दिखती है उसको छाया बोलते हैं, लेकिन वो छाया नहीं है, वो प्रतिछाया है, ठीक है। सबसे पहले हम देखते हैं छाया और प्रतिछाया। तो क्या है, प्रति प्रमाण संस्थानम जला दर्शादपादिशु छाया या सब प्रतिछाया छाया वर्ण प्रभाषा। तो क्या है, देह के प्रमाण आकृति के अनुसार जल, दर्पण और धूप में जो छाया दिखाई देती है वो प्रतिछाया है, जो भी मैं बोल रही थी कि जिसको हम परछाई समझते हैं वो क्या है, प्रतिछाया। और छाया क्या होती है, छाया शरीरगत वर्ण और प्रभाव पर आश्रित होती है, मतलब हमारे शरीर में जो वर्ण होते हैं, जो प्रभाव होती है, मतलब जो हमारे शरीर में बाहर से दिख रहा है वो हमारी छाया है, और जो हमारी परछाई है वो हमारी प्रतिछाया है, ठीक है। तो छाया और प्रतिछाया में डिफरेंस भी आता है, छाया के प्रकार, मतलब ये क्वेश्चन इनमें से एक ना एक क्वेश्चन आता ही है, या तो छाया और प्रभा में डिफरेंस आएगा, छाया प्रतिछाया में डिफरेंस आएगा, फिर छाया के प्रकार आएंगे। तो छाया कितने प्रकार की होती, 5 प्रकार की महाभूतों के हिसाब से। खादी नाम, पंच पंचानाम, छाया विविध लक्षणा, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। तो जैसे ही महाभूतों के लक्षण होते हैं, महाभूतों के गुण होते हैं, वैसे ही छाया के। अब आकाश जो हमारा आसमान है, नभ है, उससे अगर हम उस वही है ना कोलिट क्या करना है उससे है, ये तो क्या है, निर्मल होता है, नीले वर्ण का होता है, स्निग्ध और प्रभायुक्त होती है, ठीक है। तो जो आकाशीय नाभ से छाया होती है वो कैसी होती है, निर्मल नीली वर्ण की, स्निग्ध और प्रभायुक्त होती है। वायु, वायु में जो वात वाले लक्षण है वो भी आएंगे, और जो बाहर जो वात महा वायु महाभूत है उसके लक्षण भी आएंगे, ठीक है। तो वायु वाली छाया कैसे, रुक्ष होती है,
शाह और अरुण उनमें के मतलब नीली या फिर काली होगी और कांतिहीन होती है, ठीक है, मतलब इसमें कुछ भी प्रभा नहीं होगी। अग्नि वाली रक्त वर्ण के समान, पित्त से कोरिलेट करें तो सबसे मेन जो अग्नि वाली होती है ना वही होगी। तो रक्त वर्ण के समान चमकदार होती है, आभायुक्त और देखने में प्रिय लगने वाली होती है, ठीक है। जल वाली वैदुर्यमणि के समान, मतलब जो हमारे रत्न होते हैं ना उनमें वैदुर्य आता है उसके समान होती है और अत्यंत स्निग्ध होगी। और पृथ्वी वाली स्थिर घनी श्या और श्वेत वर्ण की होती है। तो आकाश वाली कैसी होती है, नील वर्ण की निर्मल और प्रभायुक्त। वात वाली तो अच्छी नहीं होती, रुक्ष श्या अरुण और कांतिहीन। अग्नि वाली रक्त वर्ण की चमकदार आभायुक्त और प्रिय लगने वाली। जल वाली वैदुर्यमणि के समान आभा वाली और अत्यंत स्निग्ध। और पृथ्वी स्थिर स्निग्ध घनी श्या और श्वेत होती है, ठीक है। तो महाभूतों के हिसाब से हम जैसे आगे आगे भी बहुत सारे भेद आएंगे जो महाभूतों के हिसाब से होंगे, तो उसके हिसाब से हम उनके गुण और लक्षण हमको पता होने चाहिए, तो हम हर किसी में लिख सकते हैं, ठीक है। तो होगा छाया और प्रतिछाया। अब पढ़ते हैं छाया और प्रभा, ठीक है। तो छाया और प्रभा में क्या अंतर है, वर्णम आक्रामति छाया भास्तु वर्ण प्रकाशिनी आसना लक्षिते छाया भा प्रकृष्टा प्रकाशते। छाया वर्ण पर छा जाती है और प्रभा वर्ण को प्रकाशित करती है, मतलब तो जो हमारा वर्ण है वो छाया है उसके ऊपर छा, लेकिन उसमें से जो अलग से प्रकाशित होता है, मतलब जो देखा होगा कितने लोग जिनका ग्लो दिखता है वो अलग से प्रकाशित होता है, मतलब वो हाईलाइट होता है, तो वो प्रभा है। छाया निकट से दिखाई देती है, प्रभा दूर से दिखाई देती है। वैसे अगर हम किसी लाइट से भी देखें, अगर हम बल्ब को देखें तो वो दूर से ही दिखाई देगा, और किसी का जो नॉर्मल कलर है मतलब ऐसे लाइट वाली चीज़ों को छोड़ गया, तो हमको पास में जाके देखना पड़ेगा, हमको समझ में आएगा। और जो चीज जिनकी प्रभा होती है जिनका ग्लो होता है वो हमको दूर से ही दिखाई देता है, ठीक है। तो ये है छाया और प्रभा में डिफरेंस, कि छाया वर्ण पर छा जाती है और प्रभा वर्ण को प्रकाशित करती है। छाया को निकट से देखते हैं और प्रभा दूर से ही प्रकाशित हो जाती है। प्रभा की उत्पत्ति भी अग्नि महाभूत से होती है, ठीक है। सात प्रकार की होती है, कौन कौन से कलर की, मतलब कलर के हिसाब से सात प्रकार बताएं, रक्ता पीता सीता शावा हरित पांडुर और असित, ठीक है। तो रक्ता मतलब क्या होगा, रेड, ठीक है, पहली। दूसरी पीता मतलब येलो। तीसरी सीता मतलब श्वेत मतलब वाइट। चौथी शाव मतलब नीली ब्लू। पांचवी हरित मतलब ग्रीन। छठी पांडु मतलब येलोइश वाइट होगी, ठीक है। और सातवीं असित, असित सीत मतलब वाइट, तो असित मतलब काली, तो ब्लैक, ठीक है। तो ये सात प्रकार की प्रभा होती है, रक्त पीत सीत शाव हरित पांडुर और असित, ठीक है। तो ये हो गई प्रभा। तो हमने क्या क्या पढ़ा आज, पित्त की निरुक्ति, गुण, सामान्य कर्म, सामान्य स्थान, पित्त के पांच भेद, उनके कर्म, उनके स्थान, छाया, प्रभा और प्रतिछाया, ठीक है। इसी के साथ आज की क्लास हम यही ख़त्म करते हैं। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप की लिंक बताई गई है, आप उसको ज्वाइन कर लीजिए तो पीडीएफ वहाँ से मिल जाएगा। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।